हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है थर्ड रीअरेंजमेंट रिएक्शन पर, कॉल्ड डेमजनोव और टेफिनियो डेमजनोव रीअरेंजमेंट। इससे पहले की दो वीडियोस में मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया पिनाकोल पिनाक्लोन एंड वैग्नर-मियाविन रीअरेंजमेंट, और आज का टॉपिक है डेमजनोव और टेफिनियो डेमजनोव रीअरेंजमेंट। अगर देखा जाए तो इन तीनों में कुछ कॉमन है कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट, या जिसको तुम 1-2 शिफ्ट और माइग्रेशन ऑन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन भी कहते हो। अगर बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है तो तुम पिनाकोल और वैगनर रीअरेंजमेंट की वीडियो फॉलो कर सकते हो, और नहीं तो डेमजनोव में भी हम वही चीज़ करने वाले हैं। तो फिर डेमजनोव में अलग क्या है, तो आज की वीडियो में हम वो करेंगे। साथ ही पिनाकोल, वैगनर और डेमजनोव तीन इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट की, तो तुम इसको PWD से भी याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। डेमजनोव जो है उसमें हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होता है एक प्राइमरी अमीन, और उसको हम ट्रीट करते हैं नाइट्रस एसिड HNO2 से, तो हमें मिलता है एल्कोहल, N2 गैस एंड H2। ये जो नाइट्रस एसिड है ये एक्चुअल में हम बनाते हैं NaNO2 प्लस HCl। कुछ याद आ रहा है, इसको हम कहते हैं डायजोटाइजेशन, है कि नहीं? डायजोटाइजेशन क्यों कहते हैं अभी समझ आ जाएगा। और इसको हम करते हैं 0-4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो ये इसकी रिएक्शन कंडीशंस है। अब इतनी बड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर रिएक्शन को याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट इस रिएक्शन के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक ट्रिक है। ट्रिक कह लो या ये कह लो कि मैं इसको केक कटिंग रिएक्शन कहती हूँ। क्यों? अपना प्राइमरी अमीन रखो और उसके ऊपर रखो नाइट्रस एसिड, और केक को तीन भागों में कुछ इस तरह से काट दो, एंड यू विल हैव योर रिस्पेक्टिव एल्कोहल, N2 गैस एंड H2। सो इस तरह से भी तुम बात को याद रख सकते हो, मतलब मैं रखती हूँ, तुम्हारी मर्जी है, तुम ऐसे भी इसको याद रख सकते हो। ओके, अब बात आती है मैकेनिज्म पे, क्योंकि अगर तुम पीछे देखो तो नाइट्रोजन जो है एक आ रहा है अमीन से और एक आ रहा है नाइट्रस एसिड से, तो देखते हैं कि इनमें दोस्ती कैसे हुई और ये अमीन जो है वो एल्कोहल में कन्वर्ट कैसे हुआ। तो उसके लिए वी नीड टू नो दी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म स्टार्ट्स विद दी नाइट्रस एसिड इटसेल्फ। नाइट्रस एसिड में, जब नाइट्रस एसिड की ट्रीटमेंट तुम एच पॉजिटिव से कराते हो, ये एच पॉजिटिव भी नाइट्रस एसिड से ही आ रहा है, तो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो इस पर अटैक करेंगे और देंगे हमें ये वाला स्पीशीज। एंड इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस कि जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन को उसके लोन पेयर वापस कर देगा, एंड वी विल हैव अ इलेक्ट्रोफाइल कॉल्ड नाइट्रोसोनियम आयन। अब एक बात ध्यान रखो कि इस मैकेनिज्म को थोड़ा ईजी बनाया गया है ताकि तुम्हें बात समझ आए। अदरवाइज होता क्या है कि दो नाइट्रस एसिड मॉलिक्यूल साथ में मिलकर N2O3 बना रहे होते हैं, और ये N2O3 जो है वो फर्दर टूट के नाइट्रोसोनियम आयन देता है। नाउ दिस नाइट्रोसोनियम आयन एक्चुअली अटैक्स ऑन द प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन, या कह सकते हो कि प्राइमरी अमीन के जो लोन पेयर है, जो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर है, वो नाइट्रोसोनियम आयन पर अटैक करते हैं, एंड वी गेट समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ जब नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये बॉन्ड टूटकर नाइट्रोजन को उसके लोन पेयर वापस करता है, एंड यू हैव दिस प्रोडक्ट। ये फर्दर टॉटोमराइज होके तुम्हें कुछ इस तरह की चीज़ दे देगा। अब डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के बीच में आ चुका है, तो अब यहाँ पर तुम इसकी फर्दर एच पॉजिटिव के साथ ट्रीटमेंट कर सकते हो, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ फिर से एच पॉजिटिव पर अटैक करेंगे, एंड यू विल हैव दिस पार्ट। और तुम्हें पता है कि ऑक्सीजन पर ज़्यादा देर तक पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता, तो ये बॉन्ड टूटकर वाटर कम्स आउट एंड यू हैव दिस लोन पेयर कम्स हियर एंड फॉर्म्स अ पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस बॉन्ड गोज टू द ऑक्सीजन। यू हैव समथिंग लाइक दिस। नाउ दिस इज द डाइजो ग्रुप, राइट? एंड दैट इज व्हाई इसको हम डाइजोटाइजेशन कहते हैं, ठीक है? डाइएज़ा, टू नाइट्रोजन, डाइएज़ा, राइट? नाउ दिस डाइजो ग्रुप इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप। क्यों? क्योंकि डाइजो ग्रुप जब निकलेगा तो नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में निकलेगा, और तुम्हें पता है नाइट्रोजन गैस इज हाईली स्टेबल, तो वो काम जरूर होगा ना जो कि एक
एक स्टेबल प्रोडक्ट को बना रहा है. तो डाइजो ग्रुप जब भी निकलता है इट गिव राइज टू नाइट्रोजन गैस विच इज हाईली स्टेबल एंड इनर्ट. सो इसलिए हमेशा डाइजो ग्रुप जो है वो एक बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है. एंड वी गेट अ कार्बोकेटायन. नाउ दिस कार्बोकेटायन गेट्स हाइड्रोलाइज एंड गिव यू द रिस्पेक्टिव एल्कोहल. सो यहाँ बात यही आ गई कि क्योंकि कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो रही है तो ये कार्बोकेटायन हमेशा चाहेगा कि मैं भी स्टेबल रहूँ. जब डाइजो ग्रुप निकल के अपने आप को स्टेबल नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर लेता है तो कार्बोकेटायन भी अपने आप को स्टेबल फॉर्म में लाने की कोशिश करता है. और वहीं से ही हमने बात बोली कि इट इज़ अ कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट रिएक्शन. सो कार्बोकेटायन की जो रीअरेंजमेंट है वो दो तरह से होती है. अगर देखा जाए तो डेमजुनोव रीअरेंजमेंट जो है वो रिंग एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन में बहुत काम आती है. मान लो हम कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन कर रहे हैं और हमें रिंग को साइज में बढ़ाना है या छोटा करना है तो वहाँ पर डेमजुनोव रीअरेंजमेंट इज अ वेरी गुड ऑप्शन. सो रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन इज वन ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ डेमजुनोव रीअरेंजमेंट. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक दिस नाउ हियर इज योर R क्योंकि हमने पीछे किया RNH2. सो हम यहाँ पर R जो है एक साइक्लिक रिंग ले रहे हैं. एंड इफ यू ट्रीटेड विद HNO2 नाउ यू नो वॉट इज गोइंग टू हैपन. HNO2 की प्रेजेंस में डाइजोटाइजेशन हो जाएगी. फाइनल स्टेप बता रही हूँ. तो यहाँ पर डाइजो ग्रुप लग जाएगा. अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में N2 विल कम आउट क्योंकि डाइजो ग्रुप इज अ वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप. जब N2 के फॉर्म में ये बाहर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ हुआ. अब ये जो पर्टिकुलर कार्बोकेटायन है ये पहले तो तुम्हें देगा तुम्हारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जिसको तुम सब्स्टिट्यूशन नाम दोगे. क्यों? क्योंकि पहले यहाँ NH2 था अब यहाँ पर OH ग्रुप हो गया. सो एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिला. एक एलिमिनेटेड प्रोडक्ट भी मिलेगा. वहाँ पर क्या होगा ये पर्टिकुलर कार्बोकेटायन का जो ये वाला कार्बन है ये H पॉजिटिव निकाल देगा और ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ आ जाएगा. यू विल हैव एन एलिमिनेटेड प्रोडक्ट ऑल्सो. बट अ थर्ड थिंग विल ऑल्सो हैपन. ये जो पर्टिकुलर कार्बोकेटायन है यानी कि यही वाला इसमें होंगे कुछ चेंजेस जिसको तुम 1-2 शिफ्ट या रिंग एक्सपेंशन बाय 1 कार्बन एटम भी कह सकते हो. तो ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ आ जाएगा एंड यू विल हैव एन एक्सपेंडेड रिंग. एंड व्हेन यू हाइड्रोलाइज इट विल गिव यू एन रीअरेंज्ड प्रोडक्ट और एन एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट. सो व्हाई इज इट हैपनिंग बिकॉज यहाँ पर ये प्राइमरी कार्बोकेटायन था अब यहाँ पर ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन हो गया. तो हुई ना ये कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट. सो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट ही हो रहा है. पहले वाले केसेस में भी हमने पिनाकोल और वैगनर में भी कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट ही किया है. याद रखो डेमजुनोव में कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट स्टार्ट होता है जब तुम स्टार्टिंग मटेरियल अमीन लेते हो. ठीक है उसी तरह से रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी होता है. तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन जो है उसके लिए मैंने लिया एक और केस जिसमें साइक्लिक पार्ट के साथ अमाइन डायरेक्ट अटैच्ड है. राइट सो यहाँ पर व्हेन यू विल HNO2 के साथ इसकी ट्रीटमेंट कराओगे यू विल हैव डाइजो ग्रुप एंड इन द नेक्स्ट स्टेप यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन N2 विल कम आउट एंड यू विल हैव अ कार्बोकेटायन समथिंग लाइक दिस. नाउ इसकी जब तुम फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे तो एक तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिलेगा लेकिन इसमें भी 1-2 शिफ्ट होता है. एक बॉन्ड जो है यहाँ से हटके इस कार्बन पे जाता है एंड यू हैव अ साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन. साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन. जब ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन फर्दर ट्रीट करते हो H2O के साथ that also gives you a rearranged product, right? Okay. अब तुम्हारा doubt होना चाहिए कि ये जो particular carbocation है ये तो secondary है और ये particular carbocation तो primary है. तो secondary से primary में ये convert क्यों हुआ? इसके पीछे कारण ये है कि cyclopropyl methyl carbocation are extra stable. They are non-classical and very stable due to C-C sigma electron delocalization. SCC bond has good P character. होता क्या है इस पर्टिकुलर कार्बन पर वैकेंट P ऑर्बिटल है और ये जो बॉन्ड एंगल है दीज आर 60 degree. जितना कम बॉन्ड एंगल होता है P character उतना ही ज्यादा होता है याद रखो.
तो इनका पी कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा है ऑर्बिटल्स का। हाई पी कैरेक्टर होने की वजह से ये एनर्जी में भी ज़्यादा होते हैं और इस वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ अच्छी बॉन्डिंग शो करते हैं। इसको डांसिंग रेजोनेंस भी कहते हैं कई बार, आई डोंट नो। सो इस तरह की जो बॉन्डिंग है उसकी वजह से साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायनेस हाईली स्टेबल, और यही कारण है कि ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन होने के बावजूद भी इस साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि फर्दर हाइड्रोलिसिस से तुम्हें देता है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट? ओके, नाउ बिफोर वी मूव अहेड, आगे हम कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ये बात तो हमें समझ आ गई कि ये है एक 1-2 माइग्रेशन जो कि इनिशिएट होती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकैटायन बाय डाइजोटाइजेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। तो याद रखो, डेंजेनोव रीअरेंजमेंट में हम प्राइमरी अमीन्स की डाइजोटाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि उसको डाइजो ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे हैं, और फिर उसमें से डाइजो ग्रुप कम्स आउट एज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप एंड वी हैव अ कार्बोकैटायन, और वही कार्बोकैटायन जो है वो रीअरेंजमेंट शो करता है। उस रीअरेंजमेंट की वजह से ये पर्टिकुलर नेम रिएक्शन जो है वो रिंग एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन में बड़े काम आती है, आई जस्ट टोल्ड यू। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेफिनियो डेमजेनोव रीअरेंजमेंट, जो कि इसी का ही पार्ट है, बट इट इज अ स्पेसिफिक वेरियंट ऑफ सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट। पिछले वीडियो में मैंने तुम्हारे साथ जब पिनाकोल रीअरेंजमेंट डिस्कस किया था तो वहां पर मैंने तुम्हारे साथ सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट भी डिस्कस किया है, तुम फॉलो कर सकते हो। तो ये जो टिफिनियो डेमजेनोव रीअरेंजमेंट है ये बिल्कुल डेमजेनोव जैसा नहीं है, उससे थोड़ा डिफरेंट है, एंड इट फीचर्स बीटा अमीनो अल्कोहल्स एंड वेरी यूजफुल फॉर होमोलोगेटिंग साइक्लिक कीटोन्स। तो इस चीज को अभी थोड़ा सा भूल जाओ, याद करो बीटा अमीनो अल्कोहल्स जो मैंने तुम्हें पिनाकोल वाले केस में भी करवाया था। होता क्या है, ये बेसिक डिफरेंस है टिफिनियो डेमजेनोव रीअरेंजमेंट और डेमजेनोव रीअरेंजमेंट में। टिफिनियो डेमजेनोव में तुम्हें बीटा अमीनो अल्कोहल मिलेंगे, मान लो ये अल्फा है और ये बीटा है, तो जो एडजेसेंट कार्बन है पिनाकोल के केस में एडजेसेंट कार्बन पर OH लगे हैं, लेकिन इन केस ऑफ बीटा अमीनो अल्कोहल्स एक पर OH लगा है और दूसरे पर NH2। तो जब तुम्हें इस तरह का कोई सिस्टम मिले और तुम उसको ट्रीट करोगे नाइट्रस एसिड से तो वहां पर रिंग एक्सपेंशन तो होगा और साथ में OH ग्रुप कन्वर्ट्स इनटू अ कीटोनिक ग्रुप, राइट? डेमजेनोव में हमने किया कि हमारा जो कार्बन है उसके साथ NH2 ग्रुप लगा है, प्राइमरी अमीन है, और HNO2 यानी नाइट्रस एसिड की प्रेजेंस में वो कन्वर्ट हो रहा है अल्कोहल में। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। कुछ और डिफरेंस भी हैं, जैसे कि पहला तो हमने कर लिया कि डेमजेनोव में हमें मिलता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, टेफिनियो डेमजेनोव यानी TD में मिलता है कीटोन। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये काम करता है 5-7 मेंबर ड्रिंक्स पे, बल्कि TD जो है वो थोड़ा सा और इलेबोरेट होकर 4-8 मेंबर ड्रिंक्स तक में काम करता है, मतलब कि उस सब में TD जो है ये जो पर्टिकुलर रीअरेंजमेंट है वो दिखती है। लो यील्ड एंड अनडिजायर्ड प्रोडक्ट्स ऑब्टेंड, यस। अगर पीछे देखो जब मैं तुम्हें रिंग एक्सपेंशन करा रही थी तो हमारे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं मिला था बल्कि 3 प्रोडक्ट्स मिले थे, तो हमें जो डिजायर्ड है उसके अलावा भी हमें अनडिजायर्ड प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं और इसलिए यील्ड हो जाती है कम। TD जो है वो डेमजेनोव से सुपीरियर है और यील्ड भी हाई है और अनडिजायर्ड प्रोडक्ट्स जो है वो कम अमाउंट में होते हैं। कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स पे डेमजेनोव उतनी ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि TD जो है हाईली स्टीरो सेलेक्टिव है एंड दिस इज एक्सीलेंट फॉर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। सो टिफिनियो डेमजेनोव क्या है और उससे हम किस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, आओ देखें। सो वी आर टेकिंग सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ टिफिनियो डेमजेनोव रीअरेंजमेंट। सबसे पहला ये केस है, मैं इसको कन्वर्ट करना चाहती हूँ इसमें। अब यहां तुमने देख लिया कि जो एडजेसेंट कार्बन है उन पर प्रेजेंट है OH एंड NH2, सो दिस इज अ बीटा अमीनो एल्कोहल, और जब तुम इसको कन्वर्ट करना अगर तुम इसको कन्वर्ट करोगे तो देखो यहां पर है ये 7 मेंबर एंड वी आर कन्वर्टिंग इनटू अ 8 मेंबर्ड कीटोन। सो लेट सी हाउ इट हैपेंस। दूसरा जो केस लेंगे उसमें हम लेंगे एक 5 मेंबर्ड रिंग कीटोन को कन्वर्ट करेंगे 6 मेंबर्ड रिंग कीटोन में, राइट? कैसे? और हां, एक और तीसरा,
इसमें ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसमें भी एक 6 मेंबर्ड रिंग है और ये देखो ये कन्वर्ट हो रही है 7 मेंबर्ड रिंग में। तो ये तीन केसेस लेते हैं टिफिन्यू डेमजुनोव रीअरेंजमेंट के और देखते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। सो पहले केस में यू नो व्हेन यू ट्रीटेड विद HNO2 OH का कुछ नहीं होगा, लेकिन NH2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइजो ग्रुप में, राइट। अब क्या होगा, अब डाइजो ग्रुप तो निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड है ये नाइट्रोजन पे एज ए लोन पेयर जाएगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहां से ये बॉन्ड टूट के इस कार्बन पे जाएगा। जब ये बॉन्ड यहां टूटेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए ये वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर यहां पर एज ए डबल बॉन्ड आएंगे। तो यू विल हैव समथिंग लाइक दिस, देखो ये नाइट्रोजन निकल आया, उसके बाद ये बॉन्ड यहां आया, तो अब तुम 7 मेंबर्ड से 8 मेंबर्ड पे आ गए। ऑक्सीजन का लोन पेयर जब यहां डबल बॉन्ड बनेगा तो ऑक्सीजन विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एच पॉजिटिव विल कम आउट एंड यू विल हैव अ 8 मेंबर्ड कीटोन, राइट। नेक्स्ट जो है वो 5 मेंबर्ड कीटोन है, यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। हाँ, अब मैं इसको अगर HCN के साथ ट्रीट करूं तो तुम्हें मिलेगा यहां पर OH और CN, यू नो इट, तुमने पिछली क्लासेस में ये किया हुआ है, इसको तुम साइनोहाइड्रिन भी कहते हो। और जब तुम इसको फर्दर ट्रीट करोगे मतलब रिडक्शन करोगे तो यू नो कि CN जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 NH2 में। अब तुम देख सकते हो कि यहां पर ये जो एडजेसेंट कार्बन है इन पर NH2 और OH है, तो ये भी केस हो गया टेफिन्यू डेमजुनोव रीअरेंजमेंट का। नाउ व्हेन यू ट्रीटेड विद HONO यानी कि नाइट्रस एसिड के साथ, तो ये वाला जो पार्ट है वो बन जाएगा डाइजो ग्रुप, इट विल कम आउट एंड यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव चार्ज को कॉम्पनसेट करने के लिए एक बॉन्ड टूट के आएगा यहां पे एंड साइमल्टेनियसली द ऑक्सीजन बॉन्ड, ये वाला नहीं सॉरी, ये वाला जो है वो बॉन्ड टूट के आएगा इस कार्बन पे एंड दिस बॉन्ड विल गो हियर, सो यू विल हैव अ 6 मेंबर्ड रिंग, राइट, ओके। और जो नेक्स्ट केस है वो है 6 मेंबर्ड रिंग का, और यहां पर देखो NH2 लगा है इस पर्टिकुलर कार्बन से और OH लगा है इस पर्टिकुलर कार्बन से, तो ये भी केस टिफिन्यू डेमजुनोव रीअरेंजमेंट का हो गया। अब तुम जब इसको NaNO2 प्लस HCl यानी कि HNO2 के साथ ट्रीट करोगे तो यू विल हैव अ 7 मेंबर्ड रिंग, कैसे, NH2 बन गया डाइजो ग्रुप, अब यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, नाउ ये डबल ये जो लोन पेयर है यहां आएगा और ये बॉन्ड यहां जाएगा एंड दिस विल रिजल्ट समथिंग लाइक दिस, H पॉजिटिव विल कम आउट, ये वाला जो है H वो निकल आएगा। सो यू कैन सी कि इन सारे केसेस में ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स केसेस हो सकते हैं जिसमें तुम सिर्फ क्या चीज ध्यान रखनी है कि अगर एडजेसेंट कार्बन पर OH और NH2 है तो NH2 को कन्वर्ट करो डाइजो ग्रुप में, वहां आएगा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कॉम्पनसेट करने के लिए रिंग जो है वो ओपन हो जाती है और फिर तुमने जो OH पार्ट है उसको कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट करना है एंड यू विल हैव अ कीटोन, अ न्यू कीटोन विद अ 1 मेंबर्ड हाई, मतलब एक कार्बन हाई वाला जो कीटोन है वो तुम्हें मिलेगा। इन द होमोलोगेशन ऑफ साइक्लिक कीटोन्स दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो तुम देख सकते हो ये एक 6 मेंबर्ड कीटोन है और मैं इसको कन्वर्ट करना चाहती हूँ 7 मेंबर्ड में, तो मैं क्या करूंगी, दो तरीके हैं, एक तो मैं नाइट्रोमीथेन से कर सकती हूँ और एक और एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताऊंगी डाइजोमीथेन का। सो नाइट्रोमीथेन से देखो कैसे हो रहा है, जब तुम CH3NO2 के साथ ट्रीट कराओगे तो ये हो जाएगा इसमें कन्वर्ट, CH2NO2 आके यहाँ लग जाएगा और जो एक हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन से लग जाएगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। अब अगर तुम देखो तो इसको तुम रिडक्शन करके NO2 को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू NH2। अब ये पर्टिकुलर रिएजेंट देखकर तुम्हें फिर से आइडिया हो गया होगा कि ये TD रीअरेंजमेंट का है, बिकॉज द एडजेसेंट कार्बन हैव द OH एंड NH2, दिस इज अ बीटा अमीनो एल्कोहल, नाउ यू नो व्हाट टू डू, HNO2 की प्रेजेंस में दिस विल बिकम डाइजो ग्रुप, इट विल कम आउट, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बॉन्ड खुल के यहाँ जाएगा और ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं वो यहाँ आएंगे एंड दिस विल हैपन एंड फाइनली यू हैव
यहाँ पर डबल बॉन्ड एंड यू हैव दिस राइट ओके. नेक्स्ट जो है, इवन अगर तुम्हारा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी है तो भी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जिस पर्टिकुलर रिंग से कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, जब तुम उसको ट्रीट करोगे CH3NO2 और रिडक्शन करोगे और उसको नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करोगे, तो तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरह का होगा. इस पार्ट में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ ये पर्टिकुलर रिंग जो है वो ओपन हो गई है. यहाँ 6 मेंबर्ड थी, यहाँ पर 7 मेंबर्ड होगी. दैट्स इट ओके. और एक और केस देखो, कितना ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्यों ना हो, ये 6 मेंबर्ड है और यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप लगा है. यहाँ मैंने इसको नाइट्रोमीथेन की जगह डाइजोमीथेन के साथ ट्रीट किया है. एज यू कैन सी, डाइजोमीथेन भी वही काम करता है. डाइजोमीथेन का नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगा. ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, अगर तुम सिर्फ इन एरोज पर ध्यान दो तो. ये जो पर्टिकुलर डबल बॉन्ड है ये ऑक्सीजन पर गया, और जब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर आया. एंड इसको मैं यहाँ बना के दिखाती हूँ, तो ये तुम्हारा कुछ इस तरह का होगा. डबल बॉन्ड, हियर यू हैव दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. यहाँ O नेगेटिव हो गया और यहाँ पर CH2N2 हो गया. ठीक है ओके. तो इस तरह का कुछ बन जाएगा, बिकॉज जो ये डाइजोमीथेन है ये डायरेक्ट आकर यहाँ पर इस कार्बन के इस रिंग के कार्बन से अटैच हो गया. अब क्या होगा, दिस डाइजो ग्रुप विल कम आउट. दिस कार्बन हैव अ पॉजिटिव चार्ज. इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कॉम्पनसेट करने के लिए ये डबल बॉन्ड टूट, सॉरी ये जो बॉन्ड है वो टूट कर यहाँ आ जाएगा. तो ये बॉन्ड टूटते ही और इस ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो यहाँ डबल बॉन्ड बना देंगे. सो जैसे ही ये बॉन्ड टूट के यहाँ आएगा, रिंग ओपन हो जाएगी और 6 मेंबर्ड से बन जाएगी 7 मेंबर्ड. और ये जो लोन पेयर इधर डबल बॉन्ड बनाएगा, इससे तुम्हारा कीटोनिक ग्रुप फिर से बन जाएगा. तो इस तरह से तुम याद रख सकते हो कि दैट इज व्हाट इज कॉल्ड होमोलोगेशन. सो होमोलोगेशन में क्या हो रहा है, 6 से 7 पर आए, यहाँ पर 6 से 7 पर आए. इसका मतलब क्या है, एक कार्बन नंबर हाई पर जा रहे हो. अगर 6 से स्टार्ट करो तो 7 पे आओगे, अगर 5 से स्टार्ट करोगे तो 6 पर आओगे. सो जब तुम होमोलोगस सीरीज को फॉलो करते हो, मतलब एक पर्टिकुलर कार्बन जो है वो बढ़ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड होमोलोगेशन ऑफ साइक्लिक कीटोन. एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन दीज 3 केसेस. तो ये कुछ टिपिकल एग्जाम्पल्स थे तुम्हारे TD रीअरेंजमेंट के. इसके अलावा हम और डिस्कस करेंगे, मैं अलग से एक वीडियो में तुम्हारे पिनाकोल वैगनर और जो टिफिन यूडेमजिनोव है उसके इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रॉबली. टिल देन इस वीडियो में आज के लिए इतना ही. पसंद आई हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स. ऑल द वेरी बेस्ट, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. ऑल द बेस्ट.